सेवन सी न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चार बीआरए सरकार ने असेंबली की रेवंत रेड्डी से मुलाकात, सियासी हलकों में हलचल, कांग्रेस में शमूलियत की खियास आरा। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के चार अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर की क्यामगा पर इस मुलाकात की तस्वीर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जारी करके कहा गया कि अरकान असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, नरसापुर के प्रभाकर रेड्डी दुबाग जी, महिपाल रेड्डी पटेंचेरू और मानक राव जहीराबाद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। बिहार सरकार असेंबली की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में खयास आरियाँ की जा रही है और मुलाकात करने वाले अरकान असेंबली ने इस पर मीडिया से कोई वजाहत नहीं की। वाजह रहे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लंदन में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में बीआरएस को 100 मीटर गहरे गढ़े में दफन करने की बात कही थी। इस बयान के पस मंजर बीआरएस अरकान असेंबली की यह मुलाकात गैर मामूली अहमियत की हामिल है। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले अरकान असेंबली साबिक वजीर फाइनेंस हरीश राव के करीबी रफ्का में शुमार किए जाते हैं। बीआरएस हलकों का मानना है कि यह मुलाकात खैर सगाली मुलाकात है ताकि अपने इंतखाबी हलकों के लिए फंड्स हासिल किए जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस ज़राए ने दावा किया कि बीआरएस के कई अरकान असेंबली कांग्रेस से रब्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेवन सी न्यूज़।